श्री वल्लभ शरणं मम श्री वल्लभ
वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव आचार्य श्री यदुनाथ जी महोदय अमदावाद कड़ी गादी ना युवा आचार्य छे। जे रीते आज थी 500 वर्ष पहला श्रीमद वल्लभाचार्य जीए श्रीमद भागवत ना माध्यम थी पूरा भारत मा एक क्रांति नो संचार कर्यो हतो, आज परंपरा मा श्री यदुनाथ जी महोदय श्रीए आज भागवत कथा ना माध्यम थी विश्व मा 30 थी वधु देशों मा प्रवास करी पोतानी वाणी द्वारा सुई गयेली धार्मिकता ने जागृत करी। आप श्री पुष्टि मार्ग मा एकमात्र एवा आचार्य छो कि जेमणे भागवत उपरांत बीजा 40 थी वधु विषयों उपर 327 कथाओ करी छे। पूरा विश्वना वैष्णवों ने जोड़वा आपे पुष्टि परिवार नी स्थापना करी छे, जे यूएसए यूके यूरोप दुबई मस्कत ईस्ट आफ्रिका साउथ आफ्रिका वगैरे अनेक देशों मा कार्यरत छे। जेना माध्यम थी बाल संस्कार केंद्र यूथ विंग सत्संग जॉय ऑफ गिविंग वर्क फॉर कॉज जेवी विविध प्रवृत्तियों चाले छे। थोड़ा वर्ष पहला आप श्रीए पूरा विश्वना वैष्णवों ने भेगा करवा इटली थी ग्रीस सुधीनी एक चार्टर्ड क्रूज मा विश्व वैष्णव सम्मेलन नु आयोजन कर्यू हतुं, जेमा 15 थी वधु देशों माथी वैष्णवोए 7 दिवस सुधी दिव्य प्रवचन गोकुल से गीता तक नो लाभ लीधो हतो। आ उत्सव एक अनूठो प्रसंग होवाने कारणे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा एक साथे 2 अवार्ड्स आप श्री ने प्राप्त थाया। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ना मूल 84 बैठक जी माथी अप्रकट एवा 46 मा पंपा सरोवर एवं 49 मा विजयनगर हम्पी ना बैठक जी नु प्रगटीकरण 500 वर्ष पछी पूज्य श्री द्वारा ज थई रह्यू छे। जे कार्य पुष्टि मार्ग ना इतिहास मा सोनेरी अक्षर मा लखाशे। आप श्री नी आज अनूठी प्रतिभा ने कारणे दिल्ली स्थित खूब जूनी एवं प्रतिष्ठित संस्था रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा आप श्री ने वसुंधरा रत्न अवार्ड अर्पण करायो छे। आप जीवा अमने गुरु मळ्या जेथी अमे सौ वैष्णव श्री वल्लभाधीश की जय। वैष्णव हृदय सम्राट वैष्णव के लाडीले वैष्णवाचार्य 108 श्री यदुनाथ जी के मुखारविंद से पंच दिवसीय श्री गोपाल दास जी रचित पुष्टि मार्ग के अनमोल ग्रंथ श्री वल्लभाख्यान सार सत्संग के द्वितीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन के 2 मुख्य मनोरथी परम भगवेदे श्री विजय भाई जी श्री नीलिमा बेन अरोरा श्री मोहित भाई अरोरा श्री रितिका बेन अरोरा श्री मनीष भाई अरोरा श्री शिखा बेन अरोरा कृष्ण कुमार जी श्री किरण कुमार जी प्रेरणा निखिल कुशल सभी को भावात्मक पूजन के लिए अनिरुद्ध है। सब पूजन के लिए आए। सौंदर्यं निजरदगतं प्रगटितं स्त्रीगुडभावात्मकं पुंरूपं च तन्दन्तगरतं प्राविविशत्स्वप्रिये
संश्लिष्टावरोबर भो रसमयः कृष्णो यक्षाक्षिकम् रूपं तत्रित्यात् परमवे धेयं सदा वल्लभम् आनन्दाय नमः परमानन्दाय नमः श्रीकृष्णाय नमः कृपानिधये नमः सायं कुञ्जालयस्तासनम् उपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधोतम् राजद्यग्नोपवितनं परितनुवसनं गोरं अम्भोजवक्त्रम् प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराज्वद्विमुक्तम् वन्देर्दोन्मिलिताक्षकं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम् विठ्ठलेशं सुकेशम् परम पूज्यपाद 108 श्री यदुनाथ जी महोदय श्री के मुखारविंद से श्री वल्भाख्यान रसपान के लिए विनंती करता हूँ। आपकी सुमधुर वाणी से हम सभी वल्लभी वैष्णवी जन को लाभान्वित करे। श्री वल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयतः प्रभुर नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहं 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 न संशय चिंता संता नहंतारो यत् पादा बुजरेण स्वीयानांतानि जाचार्या प्रणमामि सेव्यमानं कदा
चतुर्विश चतुर्विश शिवल्लभाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। एक मिनट के लिए शिवल्लभ का स्मरण करके अपनी यात्रा में प्रवेश करेंगे सभी भाव से और प्रेम से। धुन लागी रे वल्लभ वाला ने धुन लागी रे धुन लागी रे
बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। दिल्ली स्थित हमारे खूब आत्मीय दोनों परिवार ऐसे विजय अरोड़ा जी, नीलम जी, मोहित जी, रितिका जी, मनीष जी, शिखा जी, समस्त अरोड़ा परिवार एवं कृष्ण कुमार जी, किरण जी, प्रेरणा, निखिल जी, कुशल, समस्त कुमार परिवार निमित्त बने और इस विज्ञान के माध्यम से घर बैठे बैठे आप संग संग वल्लभाख्यान गा भी रहे हैं, उसका पान भी कर रहे हैं और उसका दर्शन भी कर रहे हैं। और देखो, कल ही अपन ने दर्शन किया कि कैसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण की कृपा गोपाल दास जी के ऊपर हुई के जन्म से मुख ऐसे गोपाल दास जी को वाणी स्फुरित हुई। हमारे श्री रमण प्रभु बहुत सुंदर आप अपनी वल्लभाख्यान की टिखा में बात करते हैं और कहते हैं कि देखो, जैसे कल मैंने निर्देश किया था कि भगवान ने जैसे ध्रुव जी को भी वाणी दी और श्री गोसाई जी ने गोपाल दास जी को भी वाणी दी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कहते हैं कि वहां ध्रुव जी को विष्णु रूप से प्रभु मिले, पर यहां तो स्वयं पुरुषोत्तम रूप से प्रभु ने गोपाल दास जी पे कृपा करी। कहते हैं कि जब ध्रुव जी को प्रभु मिले तो प्रभु ने सीधा स्पर्श ध्रुव जी को नहीं किया, शंख से स्पर्श कराया है, लेकिन यहां तो सीधा स्पर्श हुआ, प्रत्यक्ष स्पर्श हुआ। कहते हैं कि ध्रुव जी को जब वाणी दी तो शंख से बाह्य स्वरूप को छू के कृपा करी, पर जब श्री गोसाई जी ने वो चरवित तांबूल दिया तो मात्र बाह्य को नहीं, पर आपने तो अंतर को भी छुआ, अंतकरण को भी छुआ। और कहते हैं ना कि जब ध्रुव जी को प्रभु ने दर्शन दिए, वाणी दी, तो वाणी देने के बाद ध्रुव जी को क्या मिला? बोले राज्य। पर गोपाल दास जी को जब वाणी दी तो वाणी पाके क्या मिला? बोले स्वयं निकुंज नायक मिले। और ये भेद दोनों में है, और इसलिए तो कह दिया कि जब श्री गोसाई जी जैसे गुरु अपन को मिले हों, तो कहते हैं देखो प्रभु मिल गए,
प्रभु कौन है, बोले पारस मणि है। और हम जीवों की दशा कैसी है, तो कहते हैं लोहे की तलवार जैसे। अब लोहे की तलवार को यदि पारस मणि यानी प्रभु मिले और प्रभु मिले और लोहे की तलवार को छू लिया, तो लोहे की तलवार कैसी हो जाएगी, बोले सोने की। सोने की तलवार हो गई क्योंकि पारसमणि रूपी प्रभु ने छू लिया। पारसमणि रूपी प्रभु मिले लेकिन तलवार सोने की होने पर भी तीन वस्तु उसमें से नहीं जाती, बोले क्या। तो कहा है ना कि पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार, पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार, पर तुलसी तीनों न गए भार धार और आकार। तलवार का स्पर्श पारस मणि ने कर लिया यानी तलवार सोने की हो गई। अब सोने की होने पर भी तलवार में से तीन वस्तु नहीं गई, कौन कौन सी, भार, जितना भार था भार कम नहीं हुआ, दूसरा धार, जो तलवार में काटने का स्वभाव था वो भी नहीं गया, और आकार यानी तलवार का जो आकार था वो आकार भी नहीं बदला, हालांकि पारस मणि ने छू लिया है। फिर भी प्रभु रूपी पारस मणि मिले, स्पर्श मिला, लेकिन तीन वस्तु अपने अंदर से न गई। और तब कहते हैं जीव गुरु की शरण में गया, तब क्या हुआ, तो कहा ज्ञान हथोड़ा हाथ लिए सदगुरु मिला सुनार। ज्ञान हथोड़ा हाथ लिए सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए भार धार और आकार। और कहते हैं कि जब सदगुरु रूपी सुनार कोई मिला और जब ज्ञान रूपी हथौड़े से लेके उन्होंने उस तलवार पे प्रहार किया, तो कहते हैं तुलसी तीनों मिट गए भार धार और आकार। आकार भी बदला, धार भी गई और भार भी गया। तो ये कृपा गुरु रूप से श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने हमारे गोपाल दास जी के ऊपर करी। और अपन ने कल दर्शन किया कि गोपाल दास जी अपन को कहां दर्शन करा रहे थे, बोले गोलोक धाम के अंदर। और गोलोक धाम में अपन ने ये भी देखा कि श्री गिरिराज जी हैं, श्री यमुना जी हैं, और एक तरफ सुंदर लता पताएं सज्ज हैं। लेकिन मन में आपके भी प्रश्न तो आया होगा कि ये प्रकृति पूरी सज रही है, श्री यमुना जी ऐसे निर्मल रूप धारण करके बह रहे हैं, श्री गिरिराज जी ऐसे रत्न जड़ित रूप से दैदीप्यमान हो रहे हैं, तो आज यहाँ कौन सी लीला होने वाली है। तो अब उस लीला में अपन को प्रवेश गोपाल दास जी करवा रहे हैं और तेरहवीं कड़ी के अंदर गान करते हुए कह रहे हैं श्यामा शतदल नयन सुंदरी युध तनो नहीं पार श्यामा शतदल नयन सुंदरी युध तनो गोपाल दास जी को गोलोक धाम के जहां पूर्ण पुरुषोत्तम विराजमान है ये दर्शन हो रहे हैं, वहां यमुना जी के दर्शन करे, श्री गिरिराज जी के वहां की सुंदर लता पताओं के वृंदावन में दर्शन करे, और क्या देखा कि आज कोई तैयारी हो रही है। और जैसे ही दृष्टि आगे वृंदावन धाम के अंदर पड़ी और गोलोक धाम में क्या देखा कि श्यामा शतदल नयन सुंदरी यूथ तनो नहीं पार अनेक रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार।
वहां वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि छोटी छोटी बालिकाओं के हजारों यूथ हैं, और जितने भी यूथ हैं कहते हैं एक एक यूथ के अंदर, एक एक सर्कल के अंदर कितने गोपीजन हैं। तो कहा श्यामा शतदल नयन सुंदरी, और कहते हैं कि जैसे सौ सौ पंखड़ियों का एक एक कमल हो, ऐसे हजारों कमलों के दर्शन आज वृंदावन में हो रहे हैं। तो कहते हैं ये कमल कौन से हैं, तो कहा श्यामा शतदल नयन सुंदरी। बोले वहां जो गोपीजन हैं वो गोपीजन कैसे हैं कि जिनके नेत्र कमल की पंखड़ियों के समान हैं, और कमलों की पंखड़ियों के समान जिनके नेत्र हैं, और उन्होंने दर्शन किया कि वहां सौ सौ दल का, सौ सौ पंखड़ियों का एक एक कमल हो, ऐसे हजारों कमल हैं, और सौ पंखड़ियों का एक कमल, एक गोपी के दो नेत्र, और यूं करके अनेक अनेक नेत्र रूपी कमलों का दर्शन गोपाल दास जी ने किया। और कैसे यूथ तणो नहीं पार, वहां अनेक इतने गोपीजन हैं कि उन गोपीजनों के यूथों की गणना, गोपीजनों का क्रम वो वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और जहां ऐसे रास के दर्शन गोपाल दास जी को हुए, और गोपाल दास जी ने क्या देखा कि जब वहां अनेक रास चल रहे थे तो उसमें से एक गोपीजन जो है वो एक गोपीजन का स्वरूप और मुखारविंद बिल्कुल गोपाल दास जी जैसा था। और गोपाल दास जी ने जब ये दर्शन करे के रास के अंदर जहां हजारों गोपियां नृत्य कर रही हैं, हजारों गोपियां सुंदर नृत्य कर रही हैं, पर उसमें से एक गोपी का मुखारविंद गोपाल दास जी को लगा के उनके जैसा था। विचार करो, जब एक बार श्री गोसाई जी ने किशोरी बाई के आगे एक रास का पद गाया, और जब रास का पद गाया तो श्री गोसाई जी की वाणी तो स्वरूपात्मक भी है, फलात्मक भी है, और जैसे ही रास का पद गाया तो हजारों रास मंडल के अंदर हजारों गोपीजन प्रकट हो गए, और वहां अनेक मंडल करके ठाकुर जी की रास लीला प्रारंभ हो गई। और जैसे ही श्री गोसाई जी ने किशोरी बाई से कहा किशोरी दर्शन करो, और जैसे ही दर्शन किया तो उस समय वो अनुभूति किशोरी बाई को भी हुई कि जहां अनेक अनेक गोपीजन नृत्य कर रहे हैं उसमें से एक गोपीजन का मुख बिल्कुल किशोरी बाई जैसा था। और तब किशोरी बाई ने कहा कृपानाथ वो गोपीजन अंदर विराज रहे उनका मुख तो मुझे अपना सा लगता है, वो कौन है। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि जितने भी ये पुष्टि सृष्टि है, जितने भी ये पुष्टि जीव हैं, उन सभी का एक आधी दैविक स्वरूप प्रभु की लीला में विद्यमान है, प्रभु के रास में विद्यमान है। और जब कहा जाता है कि अपने स्वरूप को पहचानो, यानी जो हरेक वैष्णव का आदि दैविक स्वरूप जो प्रभु की लीला में, प्रभु के सानिध्य में नित्य विराजमान है, जब तक उसको अपन न जाने, उसको न पहचाने, तब तक अपने मूल स्वरूप का परिचय अपन को नहीं होता। इसलिए यहां कह दिया कि श्यामा शतदल नयन सुंदरी, यूथ तणो नहीं पार, और अनेक रास मंडल रचना रची खेले नंद कुमार। अब देखो रास प्रभु कर रहे हैं, लेकिन ये रास की लीला का वर्णन जब गोपाल दास जी सभी के लिए कर रहे हैं तो हरेक व्यक्ति का वो अधिकार नहीं होता कि रास को जान पावे। तो इसलिए कह दिया कि ये लीला क्या है, बोले खेले नंद कुमार, इसे कहा खेल की तरह। और खेल यानी क्या, शिवदेव जी कहते हैं ना कि ये रास क्या है, तो कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा बालक हो, उसके चारों तरफ जल से भर के पात्र रख दो, और वो छोटा सा बालक जैसे पानी से भरे हुए पात्रों में अपना ही चेहरा देख के उसके संग जैसे खेलता है, और ऐसी निर्दोष लीला यानी ये रास लीला है। और इसलिए देखो यहां खेल शब्द का उपयोग किया, खेल यानी क्या, प्रभु की लीला। अपने वहां देखो विवाह का उत्सव होता है तो भी क्या कहते हैं, विवाह खेल, होरी होता है तो भी होरी खेल। खेल यानी प्रभु की लीला, जो प्रभु मात्र और मात्र अपने निज जनों को सुख देने के लिए, अपने निज जनों को आनंद देने के लिए करें, उसी को तो कहते हैं लीला। और ये वर्णन यहाँ पे किया, और जब आगे रास हो रहा है तो आगे आपने दर्शन क्या किया, वर्णन करते हुए आगे चौदहवीं कड़ी के अंदर कह रहे हैं जन
वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी जब वृंदावन में रास कर रहे हैं, और अपन ने पहले ही वर्णन सुना था कि देखो ऐसे अनेक अनेक सुंदर लीलाएं प्रभु कर रहे हैं, लेकिन अपन ने सुना ना कि जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं और वो पक्षी अपने शब्दों में कुछ कह रहे थे। अपन ने जाना ना, कल ही श्रवण किया था कि पक्षी कुछ कह रहे हैं, बोले कह क्या रहे थे, तो यहां संकेत दे दिया और कहा कि एणी पेरे नित्य नवली लीला घोष वाद्य झंकार अंग स्वेद मकरंदे मोया मधुपच करे झंकार। जब प्रभु रास लीला वहां कर रहे हैं तो जितने भी पक्षियां जो ऋषि रूप हैं और वहां वृंदावन के वृक्षों के ऊपर बैठे हैं, लेकिन जब प्रभु रास कर रहे हैं तो उन्हें प्रभु की रास लीला दिखाई नहीं दे रही है, उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, मात्र वहां नृत्य हो रहे हैं तो उनके घुंघरुओं के झंकार उनको सुनाई दे रही है। वहां पे अनेक लोग नृत्य कर रहे हैं, ऐसे ध्वनि कान में आ रहे हैं, लेकिन रास के दर्शन नहीं हो रहे। विचार करो, श्री गोसाई जी की कृपा से ये रास के दर्शन गोपाल दास जी कर रहे हैं, पर हजारों वर्षों से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां वृक्षों में बैठ के तप कर रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहे। बोले क्यों? क्योंकि एक होता है साधन बल और एक होता है कृपा बल। ये ऋषि मुनि कौन है? बोले पक्षी कौन है? बोले ऋषि मुनि है। और ये वृक्ष कौन है? बोले वेद। और वेद की अलग अलग शाखा में बैठ के वो ऋषि मुनि रूपी पक्षी विचार कर रहे हैं कि हम अपने साधन बल से, हम अपने तप से, हम अपने ज्ञान से प्रभु के दर्शन करेंगे रास के, पर उनको दर्शन नहीं हो रहे, सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है। पर यहां देखो साधन बल के आगे भी कृपा बल की अधिकता है कि गोपाल दास जी के पास इतना साधन नहीं था, पर श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा हो गई कि उनको रास के प्रगट दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो दर्शन यहां नहीं हो पाए। और गोपाल दास जी क्या दर्शन कर रहे हैं कि एणी पेरे नित्य नवली लीला। देखो यहां गोलोक धाम के अंदर प्रभु नित्य नवीन लीला कर रहे हैं, और जितने भी पक्षी हैं वो सिर्फ आवाज सुनते हैं, घोष वाद्य झनकार, उनको लग रहा है कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है। ये शब्द गोपाल दास जी ने सुने, पर उनको तो दर्शन हो रहे हैं, पर हजारों वर्षों से तप कर रहे उन पक्षी रूपी ऋषियों को ये रास के दर्शन नहीं हो रहे। और कैसा दर्शन गोपाल दास जी कर रहे हैं कि अंग स्वेद मकरंदे मोया मधुप करे झंकार। कि जब ठाकुर जी और गोपियां नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते कह रहे हैं कि प्रभु के मस्तक पे श्रमजल बिंदु प्रकट हुए, और श्रमजल प्रभु के मस्तक पे कैसा? कहते हैं आपके श्रीअंग के अंदर जो आनंद है वो आनंद इतना बढ़ा कि वही आनंद प्रभु के मस्तक पे श्रमजल बिंदु के रूप से प्रगटा, और वही श्रमजल बिंदु बहते बहते प्रभु के नेत्रों के पास आए, नेत्रों के काजल का रंग घुला, रंग श्याम हो गया, और वही जल बहता बहता जब आपके अधरों के पास आया, पान की पीक का उसमें उगली, और कहते हैं उसका रंग रक्त श्याम हो गया, और सर्वांग से बहता बहता जब वो प्रभु के चरण के पास आया, विचार करो नेत्रों के पास आया नेत्रामृत बना, अधरों के पास आया अधरामृत बना, और सर्वांग से बहते बहते चरण के पास आया चरणामृत बना, और वही जल बहते बहते जो गया वही है श्री यमुना जी का आदि दैविक स्वरूप। श्रम जल रूपा अपन कहते हैं ना, वही श्री यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप का प्रागट्य।
उसने कह दिया अंग स्वेद मकरंदे मोया। और जब प्रभु के श्री मस्तक पे श्रम जल बिंदु प्रगटे तो कहते हैं प्रभु का मुख कैसा है, बोले कमल सरीखा। और उस कमल के ऊपर श्रमजल बिंदु आए तो ऐसे लग रहा है कि मानो कमल में मकरंद आया है। और जैसे ही कमल में मकरंद आता है और मकरंद की खुशबू ऐसी व्याप्त हो जाती है कि दूर दूर से भ्रमर उसका पान करने के लिए आ जाते हैं। और जब भ्रमरों ने आके देखा तो क्या देखा कि ऐसे हजारों कमल हमने देखे जो जल में खिले हैं, पर आज कैसा अलौकिक कमल के जो वन में खिला हुआ है। और प्रभु सुंदर रूप से चलते जा रहे हैं और ये भ्रमर आ आके प्रभु के उस मकरंद का पान करने के लिए लालायित हैं। और मधुप करे झंकार, और कहते नहीं झंकार शब्द है बड़ा संकेतिक है, मधुप यानी भ्रमर के लिए कहा होता तो गुंजार कहते, पर यहाँ झंकार कहा। झंकार किसकी होती है, बोले पायल की झंकार होती है। तो इसके अंदर भी रास का गूढ़ संकेत दिया है, ये तो जब प्रभु कृपा करे तब समझ में आवे। पर 14 और 15 के अंदर अपन ने दर्शन किया और आगे 16 17 दोनों कड़ियों के अंदर अब गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं कि अब प्रभु को जगत का सर्जन करने की इच्छा हुई तो उन्होंने जगत का सर्जन कैसे किया उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं ब्रूभंगे सृष्टि गोपाल दास जी को श्री गोसाई जी ने दिव्य दृष्टि दी है। और दिव्य दृष्टि दे के जब ये पूछा था कृपानाथ बताओ आपके प्रागट्य का मूल उद्देश्य क्या है, आपके प्रागट्य का कारण क्या है, और जब दिव्य दृष्टि दी तब आपने अक्षर ब्रह्म का दर्शन भी किया, पर ब्रह्म का दर्शन, उनके धाम का दर्शन भी किया, और अब ये सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ ये गोपाल दास जी छोटे से 9 वर्ष के वर्णन कर रहे हैं वेद वेदांतों की बात। और कह रहे हैं कि जब सृष्टि सर्जन करने का मनोरथ प्रभु का हुआ तो देखो हमको छोटी सी वस्तु का निर्माण करना हो ना तो कितना कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब प्रभु जगत का सर्जन करते हैं तो कैसे ब्रू भंगे थी सृष्टि निपनी,
भ्रूभंग किसको कहते हैं, अपनी बरबर को ऊपर करके नीचे करो इतने समय को, इतने यत्न को कहते हैं भ्रूभंग। और मात्र प्रभु ने अपनी बरबर को ऊपर करके नीचे किया और कहते हैं भ्रूभंगे ति सृष्टि निपनी अति सुंदर ब्रह्मांड, और 14 लोक नाना वैचित्रे भूमंडल नवखंड। मात्र अपनी ब्रवर को ऊपर किया और मात्र प्रभु की ब्रवर के हलन जलन से ही कहते हैं ना कि नवखंड का सृजन हो गया। 14 लोक, 7 लोक पाताल के, 7 लोक ऊपर स्वर्ग के, और ये 7 लोग नीचे 7 ऊपर, नवखंड इसका सर्जन हो गया। लेकिन देखो गोपालदास जी ने कहा अति सुंदर ब्रह्मांड, लेकिन ये पृथ्वी के लिए गोपालदास जी ने अति सुंदर शब्द का उपयोग किया। बोले क्यों, चाहे कितने लोग ऊपर हो, कितने लोग नीचे हो, चाहे कितने खंड हो, लेकिन ये पृथ्वी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु भी प्रागट्य लेते हैं तो इस पृथ्वी में लेते हैं, और प्रभु की प्रगट सेवा का सुख भी यदि जीवों को मिलता है तो इस पृथ्वी में मिलता है। और इसीलिए प्रभु अति सुंदर कहा, और कहा कि देखो सृष्टि का सृजन भी कर दिया, और फिर प्रभु ने क्या कहा, पर पोतानी व्यक्ति करवा सृष्टि ते द्विधा प्रकार। और फिर प्रभु ने कहा ये अलग अलग लोक बना दिए, ये ब्रह्मांड बना दिया, ये पृथ्वी बना दी, अब इसमें रहने वाले लोगों का सर्जन भी करना पड़ेगा, तो रहने वाले लोगों को प्रागट्य कैसे करें। तो प्रभु ने क्या कहा कि देवी सृष्टि देवी आसुरी बे उपजावी प्रभु मन करी उपाय विचार। और भगवान ने दो प्रकार के लोगों को जगत में भेजा, कैसे, एक तो देवी और दूसरे आसुरी। अपन को लगे सिर्फ देवी देवी जीवों को भेज दिया होता तो कितनी शांति होती। प्रभु ने कहा कि यदि सभी मधुर 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 लेते और जरा सा कड़वा नहीं लेते तो मधुरता का सुख नहीं मिलता। और कहते हैं ना प्रभु ये देवी जीव कौन है जो श्री गोसाई जी के स्वरूप को जान पावे, और ये आसुरी कौन है, आसुरी जीव कौन है जो आपके स्वरूप को जान न पावे। ऐसे आसुरी जीव जो प्रभु से विमुख होने के लिए, प्रभु के भक्तों से दूर होने के लिए ही प्रभु ने उनको भेजा। बोले क्यों, न भेजा होता तो क्या हो जाता। लेकिन श्री गोसाई जी यहां गोपालदास जी भी कह रहे हैं कि देखो यदि उत्तम जीव हैं, लेकिन वो उत्तम है पता कब चले, जब उनकी कंपेयर हम ऐसे लोगों से कर सकें तब तो उत्तमता दिखे। यदि सभी लोग भगवत नाम ले रहे हैं, सभी लोग उत्तम कार्य कर रहे हैं तो पता चलेगा नहीं। यदि अंधेरा नहीं होगा तो दिन की महत्ता जानोगे कैसे, यदि रात्रि नहीं हुई तो सूरज के प्रकाश को जानोगे कैसे। सूरज के प्रकाश और अंधेरा दोनों इस जगत में है, तो अंधेरा का परिचय कराने के लिए अंधेरा हमको नहीं दिया, हमें तो प्रकाश का महिमा समझाने के लिए अंधेरा दिया है। और वैसे ही आसुरी सृष्टि को भी जगत में भेजा है, इसलिए नहीं कि वो आराम से रहे आनंद कर, इसलिए क्योंकि वो होंगे तो सत्पुरुषों की पहचान हो पाएगी, वो होंगे तो देवी सृष्टि की परिचय हो पाएगा। और ये दोनों प्रकार के जीव भेजे, और क्या कहा, प्रभु मन करी उपाय विचार। प्रभु ने मन में क्या विचार किया, क्योंकि जगत में मुझे भी प्रागट लेना है और सेवा मार्ग का प्रगटाना है, भागवत जी के मूल अर्थों को प्रकट करना है, विरहात्मक भक्ति प्रकट करनी है, निजनों को शरण में लेना है, पृथक शरण मार्ग का दर्शन मुझे कराना है। और ये विचार करके दोनों प्रकार की सृष्टि आपने सर्जाई, और उसके बाद कहते हैं कि दो स्त्री आपके श्रीअंग से प्रगटी, वो कौन है, उसका दर्शन अपन आगे की 18, 19 और 20 कड़ी में। भक्ति सुंदर माया Thank you.
देखो, भगवान ने पूरे जगत का सृजन कर दिया। जगत के अंदर दो प्रकार की सृष्टि, दो प्रकार के जीवों का भी सृजन कर दिया। कौन कौन से? एक है देवी और एक है आसुरी। और फिर भगवान ने अपने श्रीअंग में से दो स्त्रियों को प्रकट किया और कहते हैं ये दो स्त्री कौन है? तो कहा भक्ति सुंदरी ने माया दासी। कहते हैं एक सुंदर स्त्री है और उसकी दूसरी स्त्री जो है उसकी सेवा कर रही है, तो कहते हैं कि ये सुंदर स्त्री कौन है? बोले भक्ति। और उसके संग बैठी है, संग खड़ी है, वो है दासी पर लगती है उसके जैसे। वो कौन है? तो कहते हैं माया। और ये दो ऐसे हैं कि एक का संग करो तो प्रभु के नजदीक जावे और दूसरे का संग हो जाए तो प्रभु से दूर जावे। तो कहा भक्ति सुंदरी ने माया दासी, बेमूरत प्रगटावी, तेमा पहली नकशिक सुभगा श्री हरि ने मन भावी। और ये दोनों को प्रगटाने के बाद जो प्रथम यानी जो भक्ति है वो हमारे प्रभु को इतनी प्रिय लगी, इतनी प्रिय लगी कि प्रभु ने उसी समय उनके हाथों को अपने हाथ में लेके वचन दिया कि हे भक्ति, तुम मुझे इतनी प्रिय हो, इतनी प्रिय हो कि जो तुम्हारा आश्रय करेगा वो चाहे कैसा भी जीव क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी कक्षा का जीव क्यों ना हो, पर जिसने तुम्हारा हाथ थामा मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और कहते हैं ना तेमा पहले नक्षिक सुभगा श्री हरि ने मन भावी, और प्रभु के मन भाई। लेकिन कहते हैं कि ये दो प्रकार के स्वरूप प्रकट हुए, एक है भक्ति और एक है माया। लेकिन किन्ने भक्ति का सहारा लिया और किन्ने माया का सहारा लिया? तो कहा कृपा कटाक्षे हुआ अक्षरमा, उपन्यास सत्व अनंत, भक्ति लीन हुआ सौभागी, ते वैष्णव गुणवंत। और कहते हैं जो पहली कटाक्ष यानी जो देवी जीव प्रगटे, देवी जीव प्रकट हुए, उन्होंने सहज रूप से भक्ति का सहारा लिया। अब देखो जो देवी जीव है ना उसे भक्ति में जोड़ना नहीं पड़ता, उसे भक्ति की ओर अग्रसर नहीं करना पड़ता। जो देवी तत्व लेके आया है उसे लाख कैद के अंदर बंद कर दो, वो प्रभु से जुड़े बिना रह नहीं सकता। उसे चाहे कहीं पे भी भेज दो, उसे प्रभु की भक्ति से दूर नहीं कर सकते। और कैसे कैसे जीव चाहे कहीं भी जन्म हुआ हो, कहीं पे भी उन्होंने प्रागट्य लिया हो, लेकिन भक्ति तत्व अंदर है तो कृष्ण से जुड़े हुए वो रह नहीं सकते। मुझे याद है बहुत वर्षों पहले कहीं महाराष्ट्र में विदर्भ के अंदर ही कहीं बदरामणी मेरी थी, और जिस फ्लैट में बदरामणी थी तो बिल्कुल उसके सामने का जो फ्लैट था उसमें कुछ विदर्भी लोग का फ्लैट था। और जब उनका फ्लैट था तो उनका जो बच्चा था वो यहाँ पे खेलने आता रोज, यहाँ के बच्चे का मित्र था। और जब मित्र था दोनों खेलते संग में, अब उसे पता चला कि बदरामणी है, तो जब बदरामणी हुई तब जो वो वैष्णव बालक था वो कह रहा था कि जीजे मेरा मित्र है सामने रहता है, वो भी आपसे मिलना चाहता है, क्या आपको मिलने आ सकता है? मैंने कहा जरूर आओ। और जैसे यहाँ बैठे थे तो वो मुझे मिलने के लिए आया। मैंने कहा कि हाँ तुम मिलना चाहते थे, क्या है? कि बोले मेरी इच्छा है कि आप 5 मिनट के लिए मेरे संग आओगे मेरे घर पे। मैंने कहा क्यों? कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा तुझे क्या दिखाना है? जाते जाते मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्या दिखाना चाहता है? बोले वो नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। मैंने कहा ठीक है। और जब जा रहे थे तो मुझे लेके गया, और जैसे उसके स्टडी रूम में लेके गया वहां छोटा सा कुछ स्थान देखा और कहा देखो। मैं देखा तो वहां लालन का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप। मैंने कहा कि ये तेरे घर में कैसे और तेरे घर में अलाउ कैसे किया? तो उसने कहा कि लास्ट मंथ ही हमारे स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम था और मैंने भी उसमें पार्ट लिया था, तो जो भी स्पॉन्सर थे तो जितने लोगों ने पार्ट लिया उन सभी को ये गिफ्ट में लालन का स्वरूप दिया, और मैंने आके घर पे कहा ये तो मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, क्या मैं रख सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ रख ले, गिफ्ट है, क्या फर्क पड़ता है। और तब से मैंने ये रखा। तो मैंने कहा कि मुझे तुझे क्या कहना था? तो उसने कहा कि आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इनको डांटो। मैंने कहा मैं क्यों डांटू, मेरा क्या बिगाड़ा है और क्यों डांटू? बोले क्या बताऊं जी, बोले थोड़े दिन से एक दिक्कत होगी। बोले क्या? कि जब से मेरे घर पे आया है ना तो और किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जैसा अकेला मैं पढ़ू मेरे आगे जिद करे। मैंने कहा क्या? कि जैसे थोड़ा दिन हुआ वैकेशन के बाद स्कूल खुलने वाली थी और मेरी माँ मेरे लिए नया स्कूल बैग लेके आई, स्कूल बैग लेके आई तो मुझे जिद करे कि मुझे भी ऐसा स्कूल बैग चाहिए। मैंने कहा कि तुझे कैसे दिलाएंगे, तू क्या करेगा?
और जितनी बार भी बैग जमाऊं अंदर से किताब बिखेर दे मैं, और मेरी माँ के डांटे मुझे, और माँ से जिद करके ऐसा के ऐसा स्कूल बैग मैंने लिया और देखो पास में बदरा आया, तब मुझे स्कूल बैग यूज करने देते हैं। ऐसे ही जब मैं नया मेरा हैट लिया और उसने जिद करी और ऐसा के ऐसा हैट लेके देना पड़ा, तब मुझे वो पहनने देता है। और अब तो गजब कर दिया इसने, बोले क्या, और पहले तो यहां पे मुझे दिखता था लेकिन अब तो मैं स्कूल जाता हूं तो पीछे पीछे आता है, और जब मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं तो सामने जाके टीचर की कुर्सी में बैठ जाता है, मैं उसे कहता हूं हट जा और किसी को दिखता नहीं, मार मुझे पड़ती है। और कल तो मैं नजर बचा के चुपचाप भाग रहा था तो उसने पीछे से आके मुझे धक्का मारा, मैं गिर गया और देखो मुझे लगा है, तो आप इसको डांटो कि कल से ऐसे ना करें। मेरे संग कुछ वैष्णव भी खड़े थे, वो कहे कि देखो हम इतने वर्षों से प्रभु का नाम ले रहे हैं, इतने वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर ये जीव जिसका जन्म कहाँ हुआ है, पर देवी तत्व को लेके आया है तो किसी भी जगह गया, किसी भी घर में गया, लेकिन भक्ति का हाथ पकड़ा है तो कृष्ण उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं है। अपनों का मन बदल के, आसपास के वातावरण को बदल के भी प्रभु उस पर कृपा करते हैं। मुझे याद है कि कौन जीव कहां कहां से, जब दक्षिण भारत के अंदर एक बार गए थे और जब ब्रह्म संबंध लेने के लिए कुछ वैष्णव आए थे, और जब ब्रह्म संबंध देने से पहले मैं समझा रहा था कि ब्रह्म संबंध क्या है, तो एक वहां बहन भी खड़े थे लेकिन उनके हाव भाव देख के मुझे लग रहा था कि शायद वो समझे नहीं है। उनको संग लेके आए जो बहन थे, मैंने कहा कि इनको ख्याल आया मैंने क्या कहा, तब कहा कि जे ये हिंदी के गुजराती के कुछ समझते नहीं है। मैंने कहा क्यों, कि बोले जन्म से क्रिश्चियन है। मैंने कहा कि तो फिर यहाँ कैसे, कि बोले कि पाप क्या बताएं जे जब छोटे थे तब से इनको कृष्ण के स्वरूप में इतनी प्रीति कि जैसे ही कृष्ण का दर्शन करें और चौधार उनकी आंखों से आंसू आ जाए। मैंने कहा कैसे, कि पता नहीं कहीं घर से बाहर निकल रहे होंगे और कहीं उन्होंने रेडियो में मधुराष्टकम सुना, और जब मधुराष्टकम सुना और वो स्वरूप का श्रवण करके इतना बेचैन हो गए कि किसका वर्णन है, ये किसका वर्णन हो रहा है, चाहे मेरे समझ में नहीं आ रहा पर जिसका वर्णन हो रहा है उससे मेरा कोई तो संबंध है। और जब पूछा कि ये तो कृष्ण का है, तो किसी से कहा पड़ोसी से मुझे कृष्ण का चित्र दिखाओ, और जैसे ही कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कराया और ऐसी दशा हो गई कि उनकी आंखों से दर दर आंसू बहे, और कहते हैं कि ना कोई आड़ा टेढ़ा उन्होंने खान पान नहीं किया, कुछ नहीं किया, पूरा जीवन कृष्ण के स्वरूप को लेके वो बहते रहे। और कहा कि जब आपका बारे में सुना तो कहे कि मुझे ब्रह्म संबंध लेना है, और जब 8-10 लोग थे उस समय ब्रह्म संबंध लेने के लिए, और मुझे ध्यान में है कि जब ब्रह्म संबंध मंत्र बुला रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो परंपरा से वैष्णव थे लेकिन वो बोलने में अशुद्धि कर रहे थे, लेकिन ये कि जिसकी परंपरा कोई नहीं थी लेकिन इतना शुद्ध उच्चारण इसके द्वारा हो रहा था, और जब दृष्टि गई तो क्या देखा कि उसका भाव, उसकी दृष्टि ठाकुर जी के मुखारविंद के ऊपर है, और जैसे ही बोल रही है बोलते बोलते मंत्र आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। और उस समय ये मन में अनुभव हुआ कि मानो प्रभु के हजारों वर्षों से अलग हुआ कोई जीव आज प्रभु के सन्मुख हो रहा है। चाहे वो जीव कहीं पे भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भक्ति देवी तत्व जिसके अंदर है तो वो प्रभु से जुड़े बिना रह नहीं सकता, प्रभु का होए बिना रह नहीं सकता। और इसलिए कह दिया कि भक्ति सुंदरी ने माया दासी बेमूरत प्रगटावी, तेमा पहली नक्षिक सुभगा श्री हरि ने मन भावी, और कहा कृपा कटाक्षे हुआ अक्षरमा उपन्या सत्व अनंत, भक्ति लीन हुआ सौभाग्य ते वैष्णव गुणवंत। और जो प्रथम कटाक्ष देवी जीव प्रकट हुए उन्हें लाख दूर करो तो भी प्रभु के सन्मुख होए बिना रहेंगे नहीं, और जिसमें देवी तत्व नहीं है चाहे वैष्णव के घर में जन्म हुआ उसे लाख सन्मुख करने का प्रयत्न करो वो सन्मुख नहीं हो पाएगा, क्योंकि तत्व लेके नहीं आया है। कहते हैं ना, यदि किसी देश के इलेक्शन में खड़े रहना है तो पहली शर्त ये होती है कि वो इस देश का नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो तब खड़ा हो पावे। और जब प्रभु के सन्मुख बैठने की इच्छा है तो पहली शर्त ये कि प्रभु ने क्या उसे अपनी सेवा के लिए चुना है,
और अपनी सेवा के लिए चुना होगा तो देवी तत्व दे के भेजा होगा, और यदि वो नहीं है तो परंपरा से वैष्णव के घर में जन्म हुआ, लाख सन्मुख करोगे फिर भी सन्मुख हो नहीं पाएगा। तो कहा, बीजी कटाक्षे जे जन उपन्या माया मथया लीन, कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन। और कहते हैं ना कि दो प्रकार के जीव प्रगटे, एक वो कि जिनने भक्ति का साथ भक्ति का आश्रय किया उन्हें तो भगवान मिले, लेकिन जिन्होंने माया का आश्रय किया उनका क्या हुआ? तो कहते हैं कि माया मथया लीन, और माया यानी चकाचौंध करने वाला, जहां भी भपका दिखे, जहां चकाचौंधता दिखे वहां भागे। और कहते हैं वो कैसे हुए, कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन। कर्म जड़ यानी वो यदि कोई भगवत नाम भी लेंगे तो इसलिए नहीं कि आनंद बोल करने के लिए कर रहे हैं। कर्म जड़ किसको कहते हैं, यदि कोई माला फेर रहा हो और सामने बालक भागता भागता आवे और गिर जावे और चिल्लावे के अरे मुझे बचा लो, मुझे हेल्प करो, लेकिन वो कहे जब तक मेरी माला पूरी न हो मैं कैसे खड़ा हूं, तब मानो वो कर्म जड़ है। उसे पता नहीं कि इस समय उसका मुख्य कर्तव्य क्या है। आसुर यानी मात्र अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेना, कैसे भी तुक्के लड़ाके अपना पेट भर लेना, उसी को वो जीवन का लक्ष्य मानता है, वो जिसने माया का आश्रय कर लिया है। अन्य उपासक कहते हैं ना कि प्रभु का शरण मिला फिर भी प्रभु का शरण छोड़ के वो और भटकने जावे, उसे कहते हैं कि ये माया का आश्रय किया है। और भजन धर्मति हीन, उन्हें कितना भी ठाकुर जी का नाम लिवाओ, कितना भी ठाकुर जी का नाम लेने का अवसर आवे, फिर भी कुछ ऐसा हो जावे कि वो तो ना ही आ पावे। वो इच्छा करे तो संजोग उसे दूर कर देवे, ऐसे जीव वो है कि जिनको ये माया का आश्रय हुआ। ये बात यहाँ पे करी और आगे समझाते हुए कह रहे हैं, एनी पेकारे कड़ी के अंदर यहां गोपालदास जी कह रहे हैं कि एनी प्रकार यानी इस प्रकार से सृष्टि द्विदा यानी आसुर और देवी ये दोनों सृष्टि मिश्रित चाली जाए। देखो एक एरिया में देवी जीवों को रखा कि एक एरिया में आसुरी जीवों को रखा, ऐसा यहां मापदंड नहीं है, यहां गुण मिश्रित, यहां तो एक ही घर के अंदर एक ही स्थान पे ये दोनों प्रकार के जीव संग संग रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने रंग में उसको रंग दूं। दोनों सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने रंग में मैं उसको रंग दूं, पर दिक्कत क्या होती है कि जीव का स्वभाव है। स्वभाव क्या है कि यदि कोई आपको अच्छी बात कहेगा तो उस पर जल्दी भरोसा नहीं आता, लेकिन गलत या झूठ कहेगा उस पर तरत भरोसा आ जाता है। यदि कोई आपसे कहे कि आप बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत मेहनती हो, अपन को लगे मेरी मजाक कर रहा है। यदि कहे बहुत गुस्से वाले हो तो तरत मान जाते हैं, हाँ सही कहा होगा, आपका स्वभाव बिगड़ गया, हाँ तरत मान जाते हैं। तो अपना स्वभाव क्या है कि सत्य वस्तु में हमेशा संशय और गलत कहें उसका स्वीकार,
और ये क्यों? क्योंकि दोनों सृष्टि जो है मिलजुल के रहती है, और मिलजुल के रहती है तो किसके संग में रहेंगे? चुंबक के संग बहुत टाइम तक लोहा रहा हो ना, तो उस लोहे के अंदर भी चुंबक के गुण आने लगते हैं। अब चुंबक तत्व ज्यादा किस में है, देवी में कि आसुरी में? इस कलिकाल में कौन एक दूसरे को ज्यादा खींच सकता है? अपन जानते हैं। तो क्या कहा? एनी प्रकारे सृष्टि द्विधा गुण मिश्रित चाली जाए, पर भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। पर कहा के देखो ये भक्ति मार्गी जीव क्या है, कैसा है? बोले स्वतंत्र। और स्वतंत्र यानी क्या? बोले वो केवल भक्त न थाए। केवल भक्त से एक अर्थ आचार्यों ने कहा है कि केवल मुक्ति का अधिकारी नहीं होता, पर केवल भक्त न थाए यानी क्या? ये एक अर्थ में देखने जाए तो भक्तों की महत्ता का वर्णन करा, और क्या कि केवल भक्त ना था। जो भक्ति मार्गी जीव है वो तो स्वयं भगवान का भी आराध्य हो जाता है। और भगवान का आराध्य यानी क्या? भक्त वो है कि जो भगवान के पीछे पीछे जाए, लेकिन एक घड़ी ऐसी आ जावे कि भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे पाछे। एक अवस्था ऐसी आ जावे कि एक दिन ये था कि जीव भगवान के बिना नहीं रह सकता था, और अब एक दशा ऐसी हो गई कि उस जीव को देखे बिना अब प्रभु से न तो रहा जाता है और न ही सहा जाता है। तब मान लो वो जीव स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब वो केवल भक्त नहीं रहा, वो तो भगवान का भी आराध्य हो गया है कि भगवान उसके दर्शन को लालायित है। और इसलिए तो ऐसे जीवों के लिए अपने वहां शब्द है तादृशी। तादृशी यानी क्या? ता यानी प्रभु, और प्रभु जैसे गुण जिसमें आ गए उसको कहते हैं तादृशी। प्रभु जैसा सामर्थ्य जिसमें आ जाए उसको कहते हैं तादृशी। अभी तक प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीव प्रयत्न करे और सोचे कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे प्रभु को सुख मिले, पर एक समय ऐसा आ जावे कि प्रभु प्रयत्न करे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवों को सुख मिले। इसलिए तो एक बार ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों सूरदास जी के पास आए, और सूरदास जी को आके कहने लगे, सूरदास आज हमारे मन में एक मनोरथ जागा है। बोले क्या? बोले रोज जैसी जैसी लीला हम करते हैं वैसे वैसे पद आप गाते हो, जो जो लीला हम करें वैसे पदों का गान आप करते हो, पर आज हमारे मन में मनोरथ है कि रोज तो जैसी लीला हम करें वैसे पद आप गाओ, पर आज मनोरथ यह है कि जैसे जैसे पद आप गाओगे वैसी वैसी लीला हम करें, ये हमारे मन में मनोरथ है। तब मानो वो जीव स्वतंत्र हो गया कि भक्ति मार्गे जीव स्वतंत्र केवल भक्त न था। वो भक्त न रहा, वो तो तादृशी हो गया। इसलिए ये बात यहां 21वीं कड़ी के अंदर कही, और आगे 22वीं और 23वीं कड़ी दोनों के अंदर दर्शन कराते हुए कह रहे हैं, श्रीपुर सोत में पड़ी विचारों हवे प्रकार सो कहिए, मारी सेवा आने कतार के अंदर कह रहे हैं कि श्री पुरुषोत्तम वड़ी विचार्यों हवे प्रकार शो करिए, मारी सेवा अनेक कथा रस निरूपवा तनु धरिए। प्रभु ने क्या देखा कि ये गुण मिश्रित जो संसार जा रहा है तो देवी जीव वो हैं कि जिनको प्रभु ने अपनी सेवा और अपने गुणगान के लिए भेजा था, लेकिन अब जिनका संग हुआ
और उनके संग का प्रभाव ऐसे मन में आ गया कि क्या करने आए थे पर अब कहां अटक गए संसार में ये पता भी न रहा। आए थे प्रभु की सेवा करने के लिए जगत में, लेकिन संसारी लोगों के संग रह रह के उनकी तरह बोलने लगे, उनकी तरह सोचने लगे, उनकी तरह जीवन जीने लगे, हैं प्रभु के पर अपने आप को उनके मान बैठे, और हैं प्रभु के फिर भी उनके में से अपन एक हैं ऐसा मान बैठे। और तब प्रभु को लगा कि अब ये जीव अपने स्वरूप को भूला, अपने कर्तव्य को भूला, ये किसका है ये भी भूला, और अब इसको पुनः मेरी सेवा में जोड़ना है तो किसी को भेज के नहीं चलेगा, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, और मैं स्वयं जाके यदि वहां लीला करूंगा तब तो मेरी कथा का और मेरी सेवा का प्रचार होगा। और ये विचार करके प्रभु ने निश्चय किया कि अब मुझे भूतल पे प्रागट्य लेना है, लेकिन जब मैं प्रागट्य लूंगा और मेरे दर्शन करेंगे तब वो देवी जीव जो मेरी सेवा के हैं पुनः मुझे देखेंगे, तब जान पाएंगे कि वो किन के हैं। लेकिन मैं प्रागट्य लूं तो सही पर मैं अपने मुख से सबको कह नहीं सकता कि तुम मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, ठीक नहीं लगता। तब आपने स्वामी जी को बुलाया और स्वामी जी को बुला के ये विनंती करी कि देखो स्वामी जी, मैं प्रागट्य लेके भूतल में जा रहा हूं लेकिन मैं सबसे कह नहीं सकता कि मेरी सेवा करो, अयोग्य लगता है। तो मेरा एक मनोरथ है, बोले क्या, कि जब मैं श्रीनाथ जी के रूप से भूतल में प्रगटूं तो हे स्वामी जी स्वयं आप श्री वल्लभ के रूप से भूतल में प्रगटो और जगत को सिखाओ कि मेरा सुख किसमें है, मेरी सेवा कैसे होती है, क्योंकि मेरा सुख किसमें है वो स्वामी जी के अलावा और कोई जान नहीं सकता। और ये विचार करके आपने भूतल में प्रागट्य लेने का विचार किया, और जब ये विचार मात्र गोपाल दास जी को सुनाई दिया, अनुभव हुआ, और मानो गोपाल दास जी तो उसी क्षण नाच उठे, कहने लगे कि भक्त जीवना भाग्य विस्तरिया, इच्छा करी हरि सार, तेने हेते आपो पे प्रगट्या श्री वल्लभ राजकुमार। और अब जो प्रागट्य का कारण श्री गोसाई जी का ढूंढ रहे थे वो कारण मानो गोपाल दास जी को मिला कि अब मैं जाना कि श्री गोसाई जी प्रभुचरण क्यों प्रगटे। गोलोक धाम में प्रभु इतने आनंद में विराज रहे थे पर यहां भूतल पे रहे जीवों के ऊपर आपको करुणा जागी कि मेरा हो के कहां भटक रहा है, मेरा हो के कहां अटका हुआ है, और उन जीवों को वापस अपनी सेवा में लेने के लिए, उन अपने से बिछड़े जीवों को वापस अपने परिकर में जोड़ने के लिए मेरे श्री गोसाई जी प्रभुचरण भूतल में प्रगटने वाले हैं। कि तेने हेते आपो पे प्रगट्या श्री वल्लभ राजकुमार। श्री गोसाई जी के चंद्रावली जी रूप हैं, और चंद्रावली जी यानी स्वामी जी के मुखारविंद रूप, और आप भूतल में प्रगटे। ये बात 23वीं कड़ी में कह के आगे 24वीं कड़ी में एक अद्भुत अनुभव अपन को गोपाल दास जी करा रहे हैं और कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सूत प्रभु सूतम श्री विठल नाथ पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सूत पुरु सूतम श्री विठल नाथ कड़ी के अंदर गोपाल दास जी अद्भुत बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठल नाथ श्री गोकुल मां प्रगट पधार्या स्वजन की धासनाथ।
श्री गोसाई जी प्रभु चरण अभी पुरुषोत्तम रूप, श्री महाप्रभु जी भी पर ब्रह्म रूप। तो किसी ने प्रश्न किया कि एक ही समय में दोनों विद्यमान हैं और एक ही समय में दोनों विद्यमान हैं तो श्री वल्लभ भी पुरुषोत्तम रूप, श्री गोसाई जी भी पुरुषोत्तम रूप, ये दो स्वरूप कैसे हो सकते हैं। तब आपने कहा कि जैसे रास के समय जितने जितने जीव थे इतने इतने स्वरूप प्रभु ने धारण करे थे, वैसे ही अपने जितने भी देवी जीव हैं उनके उद्धारात प्रभु एक ही समय अलग अलग स्वरूप धारण करके विराजमान हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने दर्शन किया कि आगे श्री वल्लभ और विठल भूतल पे प्रकटेंगे और महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों को गोकुल में पधारते जब देखा ना, और अभी तो लीला आगे होनी बाकी है, और जैसे ही पधारते देखा और गोपाल दास जी नाच उठे। बोले क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उन्होंने प्रभु के ऊपर बहुत लांछन लगाए। बोले क्यों? कि देखो तो सही, जो कृष्ण जो भगवान ब्रज में थे, जिन गोपियों ने इतना प्रेम दिया, जिन सखाओं ने इतना प्रेम दिया, जिन मैया बाबा ने इतना प्रेम दिया, लेकिन जब ब्रज छोड़ के प्रभु मथुरा गए और मथुरा जाके गोपियां रोती रही, तड़पती रही, सखा बिलखते रहे, माता पिता तड़पते रहे, पर एक बार भी अपने ब्रज की याद प्रभु को नहीं आई। और आक्षेप करते वो चूके नहीं है कि भगवान ने प्रेम तो किया पर भगवान को प्रेम निभाना नहीं आया, और यदि प्रेम निभाना आता तो एक बार तो ब्रज में वापस पधारते, एक बार तो अपने गोकुल में आते, एक बार तो अपने जीवों को मिलते। लेकिन यहां जब गोपाल दास जी ने देखा कि श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी गोकुल में पधार रहे हैं और गोपाल दास जी कहे, कौन कहे कि मेरे प्रभु को प्रेम निभाना नहीं आता, अरे कौन कहता है कि मेरे प्रभु को अपने जीवों की कदर नहीं है, अरे जो कृष्ण रूप से प्रभु ब्रज को छोड़ के गए और वही देखो वल्लभ और विठल के रूप से पुनः आके अपने गोकुल में आके बसे हैं, और स्वजन की धा सनात, और अपने स्वजनों को उन्होंने सनात किया, अपने स्वजनों के मनोरथों को पूर्ण किया, श्री गोकुल प्रकट पधार्या स्वजन की धा सनात। और देखो मेरे प्रभु अपने वचन निभाते हैं, और जितनी कदर अपनों की अपने प्रभु को है इतनी कदर तो दुनिया में और किसी को हो नहीं सकती। और ये प्रमाण आपने ये प्रथम आख्यान के अंदर दिया, द्वितीय आख्यान के अंदर भी प्रवेश करेंगे क्योंकि 5 दिन हैं और ये एक एक आख्यान ऐसे हैं कि एक एक आख्यान पूर्व में हमने एक एक आख्यान 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिनों में पूरे करे हुए हैं, लेकिन 5 दिनों के अंदर 9 आख्यान अपन को श्रवण करने हैं, इसलिए लगे जितना हो सके इतना क्रम अपन अधिक लेना चाहेंगे। तो द्वितीय आख्यान के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रथम आख्यान के अंदर श्री गोसाई जी का कृपा का वर्णन तो किया, लेकिन वो गोसाई जी जिनकी कृपा से मिले ऐसे श्री वल्लभ के प्रागट्य और वल्लभ के चरित का वर्णन ये दूसरे आख्यान के अंदर अब गोपाल दास जी कर रहे हैं। और गोपाल दास जी कर रहे हैं श्री वल्लभ कैसे हैं उनका वर्णन करते गोपाल दास जी कह रहे हैं। तो अपन संग दूसरे आख्यान में प्रवेश करेंगे कि जिसमें गोपाल दास जी ने कहा, लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता दुष्कृत जाय जी कलि जन तरवा नहीं अवर आख्यान के अंदर श्री वल्लभ के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोपाल दास जी कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी। हमारे श्री गोसाई जी कैसे हैं, महाप्रभु जी कैसे हैं, बोले लक्ष्मण भट्ट जी के सुत हैं। और कहा लक्ष्य और मन जहां एक प्रभु में हो तब श्री वल्लभ अपन को प्राप्त हो, इसलिए कह दिया लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी। और वो श्री महाप्रभु जी कैसे हैं, तो कहा स्मरण करता
दुष्कृत जाय जिनका स्मरण करो, और स्मरण करने मात्र से ही जीव के सारे दुष्कृत चले जाते हैं। जैसे यमुना जी का स्वभाव है ना, वैसे ही अपने श्री वल्लभ का भी स्वभाव है। यमुना जी का स्वभाव कैसा है कि जो जीव श्री यमुना जी का नाम ले तो यमुना जी के मुख से उस जीव का नाम निकलने लगता है। तो वैसे ही जो जीव श्री वल्लभ का स्मरण करे तो श्री वल्लभ उस जीव का सहज में स्मरण करने लगते हैं। और देखो, जाने अनजाने में जब भी अपने मुख से श्री वल्लभ का नाम निकलता है ना, तब तब श्री वल्लभ अपना स्मरण जरूर करते हैं। और कई बार अपन को लगे कि हम तो हमारे गुरु को, हमारे वल्लभ को याद कर रहे हैं, पर आज श्री वल्लभ ने हमें याद किया, इसका पता कैसे चले? तब मैं हमेशा कहता हूं कि 24 घंटे लौकिक कार्यों में रत रहने वाला अपना मन, 24 घंटे लौकिक प्रवृत्ति में रत अपना मन, और उस मन के अंदर यदि भगवत सेवा या सत्संग में जाने की इच्छा हो जाए तो मानो आज मेरे वल्लभ ने मुझे याद किया है। अन्यथा ये मन के अंदर ये विचार आ नहीं सकता। अनेक प्रलोभनों को छोड़ के जब श्री वल्लभ के सानिध्य में जाने का अवसर मिले तब मानो श्री वल्लभ ने याद किया है। और जितना याद अपन उनको करते हैं उतनी ही याद उनके मन में भी अपनी आती है। चलते चलते कहीं लौकिक कार्य के लिए जा रहे हो और अनाया सामने कोई वैष्णव मिल जाए तो मानो श्री वल्लभ ने याद किया है। कोई लौकिक कार्य के लिए कहीं गए और भगवत चर्चा कोई छेड़ दे तो मानो श्री वल्लभ ने याद किया है। उसने कह दिया स्मरण करता दुष्कृत जाए जी। ये वल्लभ ऐसे हैं कि जिनका स्मरण करने मात्र से जीव के दुष्कृत चले जाते हैं। जब कृष्णदास मेघन श्री वल्लभ की शरण में गए, उनके पुराने गुरु के पास गए और कहा कि मैं तेरा गुरु हूं, फिर तूने दूसरे गुरु क्यों किए? और तब कृष्णदास जी ने कही गुरु तो आप हो, पर आपकी कृपा से मुझे साक्षात पुरुषोत्तम मिल गए हैं। उनके गुरु ने कहा क्या बात कर रहे हो, श्री वल्लभ पुरुषोत्तम है? और जहां ये प्रश्न किया कृष्णदास जी से रहा न गया, जलते अंगारे अपने हाथ में ले लिए और कहा यदि मेरे वल्लभ पुरुषोत्तम न हो तो ये अंगारे जला के मेरे हाथ को राख कर दें, और यदि पुरुषोत्तम है तो मुझे आंच न आए। और जैसे ही खड़े रहे घंटों तक अग्नि जल के भुज गई पर कृष्णदास जी के हाथ में आंच भी ना आई। स्मरण करता दुष्कृत जाए जी, श्री वल्लभ का स्मरण मात्र। जब दृष्टिगंध विजय जी, पुरुषोत्तम जी छोटी आयु थी और कोई बड़े मायावादी विद्वान आए थे और कहा कि यहाँ वल्लभ के वंश में कोई हो तो उनसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम जी तो बहुत छोटे थे और जब बड़े विद्वान ने शास्त्रार्थ के लिए उनको ललकारा, अभी इतना अध्ययन भी नहीं किया था, मन में चिंता हो गई कि इतने बड़े विद्वान, सब घर के बड़े तो बाहर हैं, उनसे मैं चर्चा कैसे करूंगा? और जब उदास हो गए तो आपके मातृश्री ने कहा बाबा ये भूलो मत, तुम्हारा प्रागट्य श्री वल्लभ के वंश में हुआ है, और कोई साधन न करो, श्री वल्लभ का स्मरण करो, वही सामर्थ देंगे। और उस समय छोटे से पुरुषोत्तम जी ने अपने आप को एक कमरे में 3 दिन तक बंद कर लिया और 3 दिन तक जब अखंड सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करे और जब 3 दिन के बाद द्वार खुला, पूरा स्वरूप बदल चुका था। और जब देखा सबने, अंदर गए तब कोई बालक थे और 3 दिन के बाद जब श्री वल्लभ ने कृपा करी और बाहर पधारे तो लगा मानो कोई सूर्य आ गया हो। और वो छोटे से पुरुषोत्तम जी ने जाके एक एक शास्त्र की युक्तियों के द्वारा बड़े बड़े विद्वानों को उस समय परास्त कर दिया। स्मरण करता दुष्कृत जाए जी। और इसलिए तो कह दिया कि वल्लभ कैसे है, कली जन अवर उपाय जी। कली जन तरवा नहीं अवर उपाय जी। श्री वल्लभ की कृपा, वल्लभ के साधन और वल्लभ के आश्रय के बिना ये कलिकाल को पार करना बड़ा दुष्कर है, बड़ा दुष्कर है। और यही बात कह रही, साधन और नहीं या कली में जासो होए निवेरो। और इसलिए जब अपने वहां पूरा सत्संग का विराम हो ना तो आखिरी में श्री वल्लभ का स्मरण होता है, इसलिए आश्रय का पद बोलते हैं ना अपने वहां। और उसे आश्रय का पद क्यों कहते हैं? जब सूरदास जी ने भी 125,000 पद रचे
और अंत समय में जब पूछा गया कि आपने सवा लाख पद में प्रभु का गुणगान तो किया पर श्री वल्लभ का एक भी पद क्यों नहीं लिखा, और तब आपने कही कछु न्यारो देखतो तो न्यारो गातो, मैंने तो जो भी गाया है मेरे वल्लभ का ही गुणगान गाया है। लेकिन फिर उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया, दृढ़ इन चरण न केरो भरोसो। और इसे आश्रय का पद क्यों कहते हैं, संक्षिप्त में हल्का सा उसका दर्शन करें तो देखो ये आश्रय का पद है ना, उसकी कड़ी भी चार है, चार तुक हैं। बोले चार तुक क्यों हैं, बोले एक में पुष्टि मार्गी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुष्टि मार्गी पुरुषार्थ देने वाला ये पद है। कहा सत त्रेता द्वापर कली, चारों युग में उद्धार करने वाला ये पद, इसलिए आश्रय का पद कहते हैं ना। चारों वेद रूप अपना सत्य तप दया दान, चारों धर्म के चरण रूप ये पद है। एक एक पद की कड़ी खाली अपन दर्शन करें तो प्रथम कड़ी का दर्शन यदि अपन करें तो कहते हैं दृढ़ चरण के रो भरो चरण के। जब ये आश्रय के पद की आप प्रथम कड़ी का गान करते हो तो ये प्रथम पंक्ति के अंदर कुल अक्षर हैं 13, दृढ़ चरण केरो भरो 13 अक्षर। और अपने आचार्यों ने अर्थ किए हैं कि जब ये आश्रय के पद की आप प्रथम कड़ी का गान करते हो कि जिसके अंदर 13 अक्षर हैं, और जब ये 13 अक्षर का गान करते हो तो कहते हैं अष्टाक्षर और पंचाक्षर दोनों मिलके हुए 13, ये दोनों का भाव हृदय में दृढ़ हो जाता है। और जब दूसरी कड़ी का गान करते हैं तब श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबीन सब जग माजे अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण केरो। दूसरी कड़ी के अंदर कुल अक्षर हैं 21, और कहते हैं ये 21 अक्षर, देखो दूसरी कड़ी अपन ऐसे ही गा लेते हैं लेकिन ये 21 अक्षरों का जब गान करते हैं तो कहते हैं दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं, बोले 10 प्रकार के। और कहते हैं कि जब ये दूसरी कड़ी का गान अपन करते हैं तो 10 प्रकार के जीवों का अपनी 11 इंद्रियों के संग ठाकुर जी के चरणों में आश्रय दृढ़ हो जाता है। यानी 10 प्रकार के जीव 11 इंद्रियां मिला के हुआ 21। और अब तीसरी कड़ी का दर्शन करें तो साधन ओर नहीं आकली में, साधन ओर नहीं आकले में जासु होत निवे। जब तीसरी कड़ी का गान अपन करते हैं, देखो ये आश्रय रोज बोलते हैं अपन, पर जब तीसरी कड़ी का गान करते हैं तो तीसरी कड़ी में अक्षर हैं 18, और कहते हैं कि जब ये तीसरी तुक के 18 शब्दों का गान आप करते हो तो भागवत के 18,000 श्लोक, 18 पुराण, गीता के 18 अध्याय का फल सहज रूप से जीव के हृदय में दृढ़ हो जाता है। और कहते हैं जब चौथी कड़ी का गान अपन करें तो सूर्य कहा कहे द्विविदांगरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण के। और जब ये चौथी कड़ी का गान करते हैं तो उसमें अक्षर हैं 19, और कहते हैं जब ये आखिरी 19 शब्दों का गान अपन करें तो पुष्टि मार्ग के 19 स्वरूपों में अपना आश्रय दृढ़ हो जाता है। बोले कौन से 19 स्वरूप, श्री महाप्रभु जी, गोपीनाथ जी, उनके लाल जी, पुरुषोत्तम जी, गुसाई जी, सातलाल जी, श्रीनाथ जी और सात स्वरूप मिला के हुए 19। और जब ये आखिरी कड़ी का गान करते हैं तो पुष्टि के ये 19 स्वरूपों में अपना आश्रय दृढ़ हो जाता है, इसलिए इसे आश्रय का पद कहते हैं। सभी सत्संगों का फल
सभी सत्संगों का सार यानी क्या भगवद आश्रय, श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय। इसलिए कह दिया के कलिजन करवा नहीं अवर उपाय जी। यज्ञ पुरुष हरि ना श्रुति गुण गाय जी। यज्ञ नारायण भट्ट ने जब यज्ञ किया, प्रभु ने आज्ञा की कि आपके वंश में जब 100 यज्ञ पूर्ण होंगे तब मैं आपके वंश में अवतार धारण करूंगा। और यूं करते करते जब लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा 100 यज्ञ पूर्ण हुए, स्वयं प्रभु ने दर्शन देके अपना चरवित उगार उपरना कंठी इत्यादि दिया और कहा कि मैं ही आपके वंश में प्रगटने वाला हूं। निंद्रा खुली, जो वस्तु प्रभु ने स्वप्न में देखी थी वहां प्रगट आपको दर्शन हुई। और कहते हैं कि वही प्रभु स्वयं श्री वल्लभ के रूप से भूतल में प्रगटे। इसने कह दिया हरिना श्रुति गुण गाए जी। यहाँ प्रथम तुक का दर्शन करके अब आगे द्वितीय आख्यान के अंदर प्रवेश करें, जिसमें गोपाल दास जी आगे श्री वल्लभ का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, गाए श्रुति गुण रूप अहर निश धरी गान करते हुए कह रहे हैं, गाय श्रुति गण गुण रूप अहर निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनूप सुंदर पामे नहीं कोई पार। कहते हैं कि श्री वल्लभ कैसे हैं कि जिनके गुणगान ये वेद की रुचाएं गा रही हैं और क्या वर्णन कर रही हैं कि आपके स्वरूप का ध्यान। और कहते हैं ना रूप अहर, गुण रूप अहर निश, गुण का भी वर्णन कर रहे हैं और स्वरूप का भी वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं, श्रुतियां भी दो प्रकार की हैं, एक मर्यादा श्रुति और एक पुष्टि श्रुति। और वैसे ही भक्त भी दो प्रकार के, पुष्टि और मर्यादा। कहते हैं मर्यादा भक्ति क्या और पुष्टि भक्ति क्या, यहां गुण और रूप दोनों की बात करी है। और दोनों की बात करके कह रहे हैं कि जिसको गुणों के द्वारा प्रभु में आसक्ति होती है या गुणों के कारण किसी में प्रेम होता है उस प्रेम को कहते हैं मर्यादा प्रेम, लेकिन प्रभु के स्वरूप में आसक्ति हो जाती है उसको कहते हैं पुष्टि प्रेम। अपन को लगे गुण भी तो दिव्य है लेकिन गुणों में प्रेम हो तो उसे मर्यादा प्रेम क्यों कहते हैं। तो देखो जब भी किसी के गुणों के कारण प्रेम होता है तो वो प्रेम तभी तक होता है कि जब तक वो गुण अपन को दिखता रहे। कोई अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, तो अच्छा तब तक लगेगा जब तक स्वभाव अच्छा दिख रहा है, और जब स्वभाव बिगड़ा तो पहले जैसा प्रेम भी रहेगा नहीं। प्रभु को प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृपा सागर हैं, दया सागर हैं, करुणा निधान हैं। ये गुण देख के प्रेम करते हैं, तो जब तक करुणा दिख रही है, कृपा दिख रही है, तब तक प्रेम है। लेकिन जहां मन को अनुकूल नहीं था वैसा कुछ हुआ, और जहां कृपा दिखनी कम हुई और वहां प्रेम भी पहले जैसा रहेगा नहीं, क्योंकि गुणों के कारण प्रेम हुआ। तो जब तक प्रेम तब तक रहेगा जब तक वो गुण दिख रहे हैं। और गोपियों को जो प्रभु के लिए प्रेम है वो कैसा है, बोले स्वरूप आशक्ति। और स्वरूप आशक्ति यानी सब गोपियों को कहते, अरे तुम वो कृष्ण को प्रेम कर रही हो, अरे वो तो घर घर में जाके माखन चोरता है, बोले तो भी हमें प्यारा है। बोले हरे को परेशान करता है, बोले तो भी हमें प्यारा है। बोले वो तो सांवला है, बोले फिर भी हमारा दुलारा है। क्योंकि उनका प्रेम प्रभु के स्वरूप में था, स्वरूप आशक्ति थी।
वो कोई गुणों में प्रेम नहीं करते थे। और कहते ना स्वरूप आशक्ति कैसे, जीवन लाल जी महाराज इसकी टीका में कह रहे हैं कि देखो जैसे कस्तूरी है तो कस्तूरी के गुण बहुत हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं होता, लेकिन कई तत्व ऐसे होते हैं कि जिनका स्वरूप और गुण दोनों अनुकूल। और इसलिए तो हमारे श्री वल्लभ कैसे हैं, उनको कहते हैं सर्वोत्तम। और सर्वोत्तम कौन, जो सर्व में उत्तम, सर्वत्र उत्तम और सर्वदा उत्तम, उन्हें कहते हैं सर्वोत्तम। बोले क्यों, जो सर्वत्र उत्तम, सर्व में उत्तम होते हैं ना, पर वो सर्वदा उत्तम नहीं रहते। सर्वदा उत्तम होते हैं वो सर्वत्र उत्तम नहीं रहते, पर श्री वल्लभ कैसे हैं, सर्व में उत्तम, सर्वदा उत्तम और सर्वत्र उत्तम, इसलिए उनको कहते हैं सर्वोत्तम। और जब आपके स्वरूप में प्रेम हो, स्वरूप में आसक्ति हो, जैसे सुंदरदास जी कहते हैं श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में ऐसी आसक्ति कि सुंदर शब्द का उपयोग वो श्री महाप्रभु जी के अलावा कहीं करते ही नहीं, इसलिए उनका नाम भी सुंदरदास हो गया था। एक बार किसी वैष्णव के वहां महाप्रसाद ले रहे थे, कहीं खोए हुए थे, वैष्णव ने आके पूछा अरे वैष्णव महाप्रसाद कैसे लगा, उन्होंने कहा अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। सबने कहा अरे आपकी तो टेक टूट गई। बोले क्यों, आप तो सुंदर शब्द का उपयोग वल्लभ के अलावा कहीं नहीं करते थे, लेकिन आप तो पूछा कि महाप्रसाद कैसा है, आपने कहा खूब सुंदर। और तब सुंदरदास ने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो, मुझे तो ध्यान में नहीं था, क्योंकि जब प्रसाद लेने बैठा तब मेरी चित्त की अवस्था तो उस विजयनगर के दरबार में थी कि जहां राजा महाराजा बड़े बड़े विद्वान श्री महाप्रभु जी का कनकाभिषेक कर रहे हैं। और तब पूछा कि कैसा स्वरूप लगा, तो मैंने कहा अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर, क्योंकि श्री वल्लभ के अलावा सुंदर शब्द का उपयोग ही वो नहीं करते थे, क्योंकि स्वरूप आशक्ति महाप्रभु जी के स्वरूप में। ये वस्तु कही और आगे की दूसरी तीसरी तुक के अंदर गोपाल दास जी जैसे श्री गोसाई जी के प्रागट्य का कारण जानना चाहा, वैसे श्री वल्लभ के प्रागट्य का कारण क्या, भूतल में क्यों प्रगटे, कैसे आपका पदार्पण हुआ, इसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। और प्रगटते हुए कह रहे हैं प्राणपति प्रागटकारण काय का कहु मति मंद हर सुर विदाता नव लहे साक्षात ब्रह्मानंद। प्राणपति प्रागट गोपालदास जी कह रहे हैं कि प्राणपति प्रागट्य कारण काईक कहूं मति मंद, श्री वल्लभ भूतल में क्यों प्रगटे हैं, आपको क्यों प्रागट्य लेना पड़ा है, उसका कारण यदि मैं कहना चाहूं तो कैसे कहूं, मेरी तो मति मंद है, पर हर सूर विधाता नवलहे साक्षात ब्रह्मानंद। कहते हैं कि श्री वल्लभ को भूतल में क्यों प्रागट्य लेना पड़ा, तो यहां प्राणपति शब्द का उपयोग किया है। देखो अपने प्राणों के पति शिवल्लभ हैं, जो प्राणों की रक्षा करें और प्राणों के ऊपर कृपा करें, इसलिए कह दिया प्राणपति प्रागट्य कारण काई का कहूं मति मंद। और मैंने पहले ही कहा था ना कि पति शब्द किसके लिए आता है, जो रक्षा करे पोषण करे, हा? जो अपन को आश्रय देवे, इसलिए उपयोग उसका होता है। और कहा कि प्रागट्य का कारण क्यों प्रगटना पड़ा आपको, और प्रभु भी प्रगटते हैं, क्यों प्रगटते हैं, कहते हैं कि जीव मात्र के हृदय में प्रभु विराजते हैं तो भगवान को क्यों पधारना पड़े, अंदर रह के ही आप सत्पुरुषों के मनोरथ पूरे कर सकते हैं, अंदर रह के ही जो दुराचारी हैं उनको सुधार सकते हैं, फिर प्रभु को पधारना क्यों पड़े, हर एक के अंदर प्रभु है,
तो आचार्य सुबोधनी जी में जैसे कहते हैं ना कि काष्ठ है, काष्ठ के अंदर अग्नि है, पर काष्ठ के अंदर रहा अग्नि काष्ठ को जला नहीं सकता, लेकिन जब बाहर से अग्नि प्रविष्ट कराया जाए तब वो अग्नि प्रज्वलित होता है। वैसे अंदर प्रभु विराज रहे हैं, पर अभी इन इंद्रियों का विषय प्रभु नहीं हुए, पर वही प्रभु जब बाहर प्रगटे हम नैनों से उन्हें देखें, अपने हाथों से उसका स्पर्श करें और इंद्रियों से जब अंदर जावें तब जीव के मनोरथ पूरे करते हैं। और इसीलिए श्री वल्लभ भूतल पे प्रागट्य लेने आ रहे हैं और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, श्री वृंदावन चंद मुख रुचि अग्नि ते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरुपम रूप अंगीकार। श्री वृंदावन चंद मुख रुचि अग्नि ते चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन नाम निरूपम रूप अंगीकार। कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी आचार्य चरण का भूतल में प्रागट्य, और भूतल में प्रागट्य पर आपका स्वरूप कैसा है। श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार, जिसमें चंद्रमा की शीतलता भी है और आप अग्नि स्वरूप भी हैं, और आपका स्वरूप कैसा है, रूपम तत्त्वात्मकम परम भी ध्येयम सदा वल्लभम। स्वामी जी और ठाकुर जी का संयुक्त साक्षी रूप स्वरूप वो श्री महाप्रभु जी का है, और ये स्वरूप से आप भूतल पे प्रगटे हैं जीवों के मनोरथ पूरे करने के लिए। और वृंदावन चंद मुख रुचि, और वृंदावन के जो मुख हैं, वृंदावन का जो चंद्र है, ऐसे मुख की शोभा, ऐसे चंद्र की शोभा जिसने धारण करी है वो श्री वल्लभ भूतल पे प्रगटे हैं। तो संक्षिप्त में ये समझ के आगे चौथी और पांचवी कड़ी का भी अपन गान करें कि जितना हो सके दर्शन कर सके। देवलोक के तुंदु बिवागिया आनंद करे रे निशंक, असुर निमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ में विराज रहे थे और उनके मन में जीवों को प्रभु से जोड़ने की इच्छा हुई, और तब वो प्रभु ने जब भूतल पे प्रागट्य लेने का श्री वल्लभ स्वरूप से प्रगटने का विचार किया तो क्या भूतल पे हुआ। तो कहते हैं देवलोक दुंदु विवागिया आनंद करे रे निशंक, असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव मयंक। कहते हैं ना कि उस समय श्री वल्लभ जब भूतल पे प्रागट्य लेने वाले हैं, देव लोकों में दुंदुबियां बजने लगी। दुंदुबियां क्यों बजने लगी, क्योंकि वल्लभ कहते हैं ना असुर तिमिर उच्छेदवा, तिमिर यानी अंधकार, और अंधकार को भी असुर कहा। बोले क्यों, क्योंकि वो जो काल था वो कलिकाल कैसा था। श्री गोसाई जी कहते ना कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्वा विदुषामपि, उस कलिकाल के अंदर जब कलि का प्रभाव सबसे पहले आता है तो कहां आता है, बोले बड़े बड़े ज्ञानियों के ऊपर। क्योंकि जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत ज्ञानी हैं और दूसरे वो जो उनका अनुसरण करते हैं। और जब कलिकाल के अंदर बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि बिगड़ी तो वेदों का अर्थ विपरीत रूप से करने लगे।
शास्त्रों का अर्थ गठन गलत करने लगे और कहते हैं अज्ञान का प्रचार होने लगा और तब असुर तिमिर उच्छेद वा, और कहते हैं ना कि शास्त्रों का अर्थ जैसे तैसे न करके जैसे व्यास जी ने कहा है, जैसे शास्त्र हैं वैसे ही मूल रूप से प्रकट करने के लिए जब वल्लभ भूतल पे पधार रहे हैं, असुर तिमिर उच्छेद वा, और कहते हैं ना कि सूर्य का पधारना ही अंधकार की निवृत्ति है। भुवि वल्लभ देव मयंग, मयंग यानी सूर्य, जब सूर्य आवे देखो दुनिया में अंधकार सभी ने देखा है, लेकिन सूरज कहता है कि मैं तो युगों से ढूंढ रहा हूं कि अंधकार होता कैसा है, मैंने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि सूर्य का होना ही अंधकार की निवृत्ति है। और इसलिए जब वल्लभ का प्रागट्य हुआ तो जो भी अंधकार रूप अज्ञान था वो दूर हुआ, और कहते हैं कि कैसे वल्लभ पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोता ने सिद्धांत। पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा, जिन्हें शास्त्र के द्वारा, शास्त्रों के मतों के द्वारा और अपने पुष्टि रस को और व्याख्या को द्वारा अपने सभी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, और कैसे हैं व्याख्याता वेदांत, वेदांत की व्याख्या आपने करी, और ग्रंथ सर्वे रसरूप की दा, और ग्रंथ सर्वे रसरूप की दा यानी क्या, देखो श्री महाप्रभु जी ने अपने जितने भी ग्रंथों की रचना करी ना, वो ग्रंथ के भी तीन प्रकार से अर्थ हो सकते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। और ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा, इसका एक तात्पर्य यह भी होता है कि आपके हर एक ग्रंथ जो है वो भगवद लीला परक है, चाहे आप कृष्णाश्रय देखो आपको लगे सर्व मार्गे सुनष्टेशु कलौ च कल धर्मणि पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर मम, आपको लगेगा कि इसमें तो कलिकाल के अंदर जो अराजकता है, कलिकाल के जो दोष हैं उसका वर्णन है, पर ये तो एक साधारण अर्थ अपन समझते हैं, पर महाप्रभु जी के हर एक ग्रंथ आदि देविक अर्थ भी धराते हैं। अब उनको लगे सर्व मार्गे सुनष्टेशु ये क्या हुआ, तो एक भाव ये भी होता है कि जब स्वामी जी गोलोक धाम के अंदर ठाकुर जी को मिलने जा रहे थे और गोपी जनों ने युक्ति करके प्रभु को ऐसे जगह पधरा के ले गए कि स्वामी जी जहां जहां भी जाएं वहां प्रभु के दर्शन न हो, और तब आपको लगा सर्व प्रभु को मिलने के सर्व मार्गे सो नष्टेशु, और उसका कारण आपने क्या विचार किया, तो कहते हैं कलौचा खल धर्मणि, बोले क्यों जीव प्रभु को मिलने जाए प्रभु के पास क्यों न जा पावे, तो कहते हैं कली दोष के कारण। यहां का कली दोष तो अपन जानते, पर वहां का कली दोष क्या, तो कहते हैं प्रभु ने हृदय में जो हृदय रूपी कली को दिया है, और वो हृदय रूपी कली को प्रभु के प्रेम से जब खिलावे तब कली दोष दूर होता है, और अभी तक वो कमल खिला नहीं है, कली है, तो मानो उसको कली दोष कहते हैं। ऐसे तो अनेक अनेक अर्थ, अभी यहाँ विशेष कुछ करना नहीं है या समय भी नहीं है या अवकाश भी नहीं है अपने पास, पर कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जितने भी ग्रंथ हैं वो हरेक ग्रंथों के सार, वो ग्रंथों को आपने भगवद लीला परक कर दिया है, और इसलिए तो अपने भगवदियों ने भी गाया है ना कि वल्लभ जब भूतल पे पधारे देवलोक के दुंदुबी वागिया आनंद करे रे निशंक असुर तिमिर उच्छेद वा भुवि वल्लभ देव मयंक, और पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रसरूप की धा पोता ने सिद्धांत। और इसलिए तो कहते हैं द्विज कुल प्रगटे श्री हरि, एक दो कड़ी का दर्शन अपन करें, क्योंकि वल्लभ का प्रागट्य का वर्णन गोपाल दास जी करना चाहते हैं, क्यों प्रगटे वल्लभ भूतल में, क्यों प्रागट्य हुआ, और अपना सिद्धांत जो है वो आपने क्यों हर एक को दर्शन कराया, तो कहते हैं द्विज कुल प्रगटे three।
द्विज कुल को आपने पसंद क्यों किया और प्रागट्य भी आपने लिया तो प्रागट्य किसने लिया, किस मास में लिया, तो वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं परम द्वारा ठाकुर जी के चरणों में उनकी प्रीति हो जाए। और मास भी कौन सा, धन्य धन्य माधो मास, ये वैशाख मास के अंदर क्यों प्रगटे हैं, क्योंकि ये वैशाख मास प्रभु को अति प्रिय है, अति प्रिय, और अति प्रिय होने के कारण इस वैशाख मास को भी माधो मास कहते हैं। और माधो मास के अंदर ही श्री वल्लभ ने प्रागट्य क्यों लिया, क्योंकि ये वैशाख मास के अंदर तीन चार वस्तु बड़ी महत्व की है। सबसे पहली वस्तु जो महत्व की है इस वैशाख मास के अंदर, तो कहते हैं कि इस वैशाख मास के अंदर सबसे पहले ये प्रभु का प्यारा मास है, और प्रभु का प्यारा मास है इसीलिए इस मास में वल्लभ ने प्रागट्य लिया और हरेक जीवों को प्रभु से जोड़ के और प्रभु को उनके घर पे पधरा के भक्तों को प्रभु का प्यारा बनाया और प्रभु को भक्तों का प्यारा बनाया, क्योंकि ये प्यारा प्रभु का मास है। और कहते हैं वैशाख मास के अंदर जो दूसरा चरित्र प्रसिद्ध है वो क्या है, बोले प्रेतोद्धार की कथा। वैशाख मास का जो महात्मा आता है उसमें प्रेतोद्धार की कथा आती है, और अपने भगवतियों ने कहा ना कि भजन बिना जीवत जैसे प्रेत, जो सेवा और सत्संग से विमुख जीव है उनका जीव मनुष्य का नहीं प्रेत जैसा है, और उनको ठाकुर जी की सेवा से जोड़ के आपने प्रेत रूप का उद्धार किया। तीसरी प्रसंग इस वैशाख मास का है तुलसी जी का महिमा है, और तुलसी जी का महिमा है इसीलिए श्री वल्लभ ने वैष्णव के हाथ में तुलसी जी पधरा के ठाकुर जी के संग संबंध कराया, और वही तुलसी जी की माला वैष्णव के कंठ में धारण करवा के सदा के लिए श्री जी का बना दिया। और कहते हैं चौथा जो चरित्र इस मास का है वो है दान की महिमा, और जब दान का महिमा जिस महीने के अंदर है, और दान तो जिसके पास हो उसमें से कुछ दान करे, पर ये मास ऐसा जिसमें वल्लभ प्रगटे और वल्लभ ने प्रगट के जीव के पास जो भी कुछ था वो सब कुछ श्रीनाथ जी के चरणों में सौंप के श्री जी का जीव को बना दिया, इसलिए आपने ये माधव मास में प्रगट लिया। Oh,
के प्रागट्य के समय ऐसा आनंद। बोले क्यों? क्योंकि कहते ना कि श्री वल्लभ का भूतल पे प्रागट्य क्यों हुआ है। एक चिंतक ने यह भी कहा कि जब भगवान ने प्रागट्य लिया और भगवान कृष्ण के अवतार काल में आपके 84 कार्य करने बाकी रह गए और वो बाकी रहे 84 कार्य पूर्ण करने के लिए श्री वल्लभ ने प्रागट्य लिया और उसमें से एक मनोरथ आपका बाकी रह गया था कि वसुदेव जी के जिनके वहां प्रभु प्रगटे और प्रगटते ही अपने पुत्र को गोकुल नाले में रख के आना पड़ा और वसुदेव जी के मन में इतना ताप कि मुझे प्रभु की बाल लीला का सुख नहीं मिला, मुझे प्रभु को अपने गोद में खिलाने का सुख नहीं मिला और ये बाल लीला के दर्शन का सुख नहीं मिला। ये मनोरथ प्रभु के काल में वसुदेव जी का अधूरा रहा और वही वसुदेव जी लक्ष्मण भट्ट जी के रूप से पधारे और आपको बाल लीला का सुख देने के लिए श्री वल्लभ जब उनके घर में पधारे और लक्ष्मण भट्ट जी को इतना आनंद कि जैसे नंद महोत्सव के समय में नंदराय जी ने भी सबसे पहले गायों का दान किया था और ऐसे लक्ष्मण भट्ट जी ने भी दी ही बहुविध गाय और वही गायों का दान दे के आपने प्रभु के बाल लीला का सुख कुल प्रगटे श्री हरि। द्विज के कुल में आचार्य रूप से जब श्री हरि प्रगटते हैं तब उनकी महिमा कुछ और होती है और ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोतानो सिद्धांत और अपने सिद्धांत के रूप से प्रस्थान चतुष्ट का मंथन करके आपने ये जो सिद्धांत निकाले नाम निवेदन अष्टाक्षर मंत्र का महिमा अन्याश्रय त्याग असमर्पित त्याग दीनता अपना वैष्णवी कर्तव्य भगवत स्वरूप में निरोध की प्राप्ति होना और भगवत सेवा ये जो अपना सिद्धांत उन प्रस्थान चतुष्ट को मंथन करके आपने प्रकट किया और वैष्णव को प्रदान किया और छठा और सातवां दो कड़ी का गान भी अपन कर लेते हैं और संक्षिप्त में 2 मिनट में उसका अर्थ जो भी हो सके दर्शन करें। रसना रसिक वाणी जानी नर नवखंड ऊर्ध्व पंथे श्रुयस प्रसर्यो वादियो ब्रह्मांड। और कहते हैं जब महाप्रभु जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और जैसे ही आपने पृथ्वी परिक्रमा प्रारंभ करी और आपकी वाणी का प्रभाव आपकी वाणी का
जो एक दिव्यता है वो सब जगह ऐसे फैल गया, क्योंकि जब कमल खिलता है और उसकी सुगंध व्याप्त होती है तो भ्रमरों को न्योता भेजना नहीं पड़ता, वो तो खिंचते हुए आते हैं। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की वाणी प्रकट हुई और ऐसा प्रभाव कि देवी जी दूर दूर से खिंचते हुए आने लगे और आपके एक एक भाष्य और आपकी हर एक टीकाओं का आस्वादन करके बड़े बड़े योद्धाएं, बड़े बड़े ज्ञानियां भी निरुत्तर होने लगे और कहते हैं आपका प्रभाव और आपका यश इतना फैला, तो कहते हैं गोपाल दास जी वो इतना यश फैला कि एक ब्रह्मांड में वो न समाया। तो कहां गया? तो कहते हैं एक ब्रह्मांड जैनो यश न मायो, तेना हुआ कोटि अनंत, तो त्या थकी जय वादियो जय वस्यो मुख धीमंत। और कहते हैं श्री महाप्रभु जी का यश जब मात्र पृथ्वी के लिए सीमित न रह के वो यश जब गोलोक धाम तक गया, और मुख्य वस्यो सी धीमंत यानी कौन, कि जब वो यश भूतल पे ना रह के गोलोक धाम पे गया, तो गोलोक धाम पे जो जो भी देवी जीव अभी तक विराज रहे थे वो श्री वल्लभ भूतल पे प्रगटे हैं, और वल्लभ भूतल पे प्रागट्य लेके अपने जीवों को शरण में लेने के लिए आपने परिक्रमा प्रारंभ कर दी है। जब ये समाचार उनको मिले और गोलोक धाम में स्थित वो देवी जीव व्याकुल हो गए कि कब हम भी भूतल पे प्रागट्य लें, हम कब भूतल पे जावें, और भूतल पे जाके श्री वल्लभ के चरणों के दास बने। और कहते हैं जब ये वल्लभ के प्रागट्य के समाचार गोलोक धाम तक पहुंचे तब वहां रहे देवी जीव वही 84 और 252 के रूप से भूतल में प्रगटे, मुख्य वस्यो सी धीमंत, और वो देवी जीवों तक ही समाचार पहुंचे हैं और भूतल पे वो परिजनों के रूप से प्रगटे हैं। तो परिजनों अपना समय भी हो गया है और कई लोगों के बैठक जी के लिए नाम भी आए हैं, तो फटाफट दो चार नाम आज बोलें, बाकी के कल, और फिर मनोती परिवार के द्वारा आरती होगी। हम्पी में श्री महाप्रभु जी के बैठक जी नवनिर्माण के लिए जिन वैष्णव ने योगदान दिया है, परम भगवती नीरव भाई सिंह मेहता मुंबई 5100, परम भगवती राज कंवर राठी वाइफ ऑफ स्वर्गस्थ सत्यनारायण जी राठी हैदराबाद 11000, मोना बहन मुंबई 5000। दोनों मनोरथी परिवार को आरती के लिए निवेदन है कि आरती के लिए आए। आरती वल्लभ भर जलाए
वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल।